वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट राजमा चावल। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। राजमा मैंने रात में भिगो के रखा था। सुबह बॉईल करते वक्त इसमें सॉल्ट, दो छोटी इलायची, तेज पत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और जिंजर ग्रेट करके डाला है। तो इसमें क्या होगा, जब आप बॉईल करेंगे तो इसमें खुशबू अच्छी आती है। अब एक पैन ले, उसमें डालें ऑयल, जीरा, तेज पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कवर कर दे नहीं तो लौंग फटक के ऊपर आता है। खुशबू आने लगे तब डालें प्याज, थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने से क्या होता है ये आप कमेंट में बताइए। अब डालें ग्रीन चिली, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अच्छे से भून लें। अब डालें धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, राजमा मसाला, ये ऑप्शनल है, मैं फर्स्ट टाइम डाल रही हूँ, बाय द वे ये पेड प्रमोशन नहीं है। अब डालें चॉप्ड टोमेटोस, थोड़ा पानी डाल देंगे जिससे मसाले मुशी हो जाए। अब डालें कर्ड, कसूरी मेथी, कोरिएंडर स्टेम, थोड़ा पानी डालकर कवर कर दें जिससे मसाले अच्छे से पक जाए। दूसरी तरफ राजमा को हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस कर देंगे, सभी राजमा को नहीं, थोड़े से राजमा को, जिससे ग्रेवी में थिकनेस आ जाती है। अब मसाला जो बनाया था उसको राजमा में मिला देंगे। अब फ्लेम ऑन कर दें जिससे राजमा में एक बॉयल आ जाए। दूसरी तरफ जीरा राइस बना लेते हैं। राइस को मैं पैन में ही बनाऊंगी। एक पैन में थोड़ा ऑयल डालें और डालें थोड़ा जीरा, तेज पत्ता, कसूरी मेथी, थोड़ा सौते करें। अब डालें राइस और सॉल्ट, हल्के हाथों से थोड़ा भून लें। अब डालें पानी। इस कप के मेजरमेंट से मैंने एक कप राइस लिया है और सेम इसी कप के मेजरमेंट से बनाना हाफ कप पानी डालेंगे। जब राइस में बॉईल आ जाए तो देन उसको कवर कर देंगे और 15 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे उसको पकाएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।